राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आप देख सकते हो आज की बड़ी खबर है, लैब असिस्टेंट की दौड़ में 1,75,000 परीक्षार्थी, 3 दिन होगी परीक्षाएं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान पत्रिका में आज के न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जो कि एक अभ्यर्थी ने मेरे को भेजी है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है 28, 29 और 30 जून को 5 पारियों में आयोजन होने वाला है और आपके यहाँ पर 2.25 लाख अभ्यर्थी बताए गए हैं कि 2.25 लाख अभ्यर्थी जो है 123 केंद्रों पर जो है परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आप देखोगे उदयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 28, 29 और 30 जून को किया जाएगा। 1019 पदों के लिए भर्ती हो रही है 5 पारियों में। इसके लिए 123 शहर यहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थी यहाँ पर आप देख सकते हो हर पारी में लगभग 35,000 परीक्षार्थी यहाँ पर पंजीकृत किए गए हैं। इसके लिए उदयपुर प्रशासन ने भी तैयारियाँ पूर्ण कर ली है। पहले 2 दिन विज्ञान विषय के जो है प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती की परीक्षा होगी, तो 3रे दिन प्रयोगशाला भूगोल और उसके बाद गृह विज्ञान पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। ADM OP बुनकर ने बताया कि परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई है। वह सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं, पहले 2 दिन परीक्षा 2 पारियों में होगी और अंतिम दिन जो है 1 पारी में होगी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना है वहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। जो भी छात्र परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र पर लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। दूसरा, ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 30 मिनट पहले परीक्षा सेंटर के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगला, एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थी को रंगीन फोटो, बॉल पेन, ब्लैक पेन के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाना है। अगला, सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। अगला, एग्जाम सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाना, जैसे कि ईयरफोन, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ब्लूटूथ, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको लेकर नहीं जाना है। अगला, परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान घड़ी पहनकर नहीं आना है। अन्य दिशा निर्देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करें। तो ये यहाँ पर आपके दिशा निर्देश हैं, इनका पालन करके आपको जो है जाना है। साथ में अपना मास्क जरूर लेकर आपको जाना है, क्योंकि बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये यहाँ पर आपके लिए दिशा निर्देश अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। कल से आपका एग्ज़ाम है 28 जून से। सभी अभ्यर्थी जो है अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस करें, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पत्रिका के द्वारा लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर बताए गए हैं कि परीक्षा केंद्र पर लगभग जो है 2.25 लाख परीक्षार्थियों के पेपर होंगे और 10-20-25 हज़ार जो है ज़्यादा मान लीजिए आप, लगभग 2 लाख मान लीजिए, क्योंकि पत्रिका भी जो है एक अनुमानित आंकड़े ये बताते हैं, तो लगभग 2 लाख मान के चलिए अब की बार। तो आप देख सकते हो कितना कम कंपटीशन है, 2.25 लाख यहाँ पर दिया गया है, लगभग 2 लाख या 2.5 लाख मान लीजिए इतने फॉर्म यहाँ पर आए होंगे पत्रिका के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर ये आंकड़े जो होते हैं ये अनुमानित होते हैं, कोई इनका जो है कैलकुलेशन इनकी नहीं होती है, ये अनुमानित आंकड़े बताए जाते हैं। तो लगभग 2-2.5 लाख आप मान के चलें, ठीक है। तो कल हम जितना सोच रहे थे कि 5-6 लाख फॉर्म आए होंगे, अब की बार उतने भी फॉर्म नहीं आए हैं। तो आप देख सकते हो कितना अब की बार कम कंपटीशन है। तो अपना अच्छे उत्साह के साथ एग्ज़ाम दें और अपना सिलेक्शन लें। धन्यवाद।